nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो wherever, whenever, whatever you are, be 100% Karnataka, इसी को आओ मत कहो, इसी को जाओ मत कहो, कुछ पाना ना कुछ खोना, who ask you, here at zero complaint level, मौजे रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य च महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे येशव्योम्नात्मा प्रतिष्ठितः मनोमय प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोन्ने हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति. हमको ये दो चीजों को स्पष्ट समझना चाहिए. जब तक के ये विवेक दृढ़ नहीं होगा तब तक के हम दुनिया में भटकते रहेंगे, परेशान रहेंगे. कौन सी दो चीज़ें? कि मैं पति हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं पत्नी हूँ कि मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ कि मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ कि मैं पत्नी हूँ, कि मैं बहू हूँ, कि मैं सास हूँ. ये विवेक स्पष्ट होना चाहिए. जब तक के ये विवेक दृढ़ नहीं होगा तब तक के ये धंधा चलता रहेगा, इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, ये गड़े नो एंड टू इट. तो यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद, तो दो चीजें स्पष्ट हो जाती है कि हम दो लेयर पर काम कर रहे हैं. एक है सापेक्षता का, जहाँ द्वैत को सत्यवान करके जीने की प्रक्रिया है. तो हमने अपने आप को कोई एक व्यक्तित्व मान लिया कि मैं पति पत्नी इत्यादि हूँ. उसके बाद पूरा जीवन हमारा केवल इसी रिश्तों में बांध कर ही चलता है, और फिर ऐसे लगता है कि इसके परे कुछ है ही नहीं. और द्वैत का जीवन ऐसा है कि जिसमें आपको 100% समाधान कभी नहीं मिल पाएगा. अभी एक लड़के मिलने आए थे, उसने कहा स्वामी जी ऐसा है तो मुझे आप एडवाइस करिए शादी के बारे में. मैंने बोला शादी मत करो, शादी हुई नहीं ना, नहीं शादी मत करो, सुखी रहना चाहते हो तो शादी मत करो. नहीं शादी तो करनी है. बोला ठीक है, अब उसके लिए समझ लो जीवन में 100% एडजस्टमेंट होती है. यदि एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं तो हाथ में तलवार लेकर के चलो. जीवन केवल एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट माने क्या? मजबूरी लेकर, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ने, जैसे अपने यहाँ संगीत चल रहा है ना, कर 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 कर, अब क्या करे यार, तो ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होगा. अब ये चल रहा है तो मुझे इसको कैसे लेना चाहिए? जिस प्रकार से श्रोता सुनते हैं इसी प्रकार से मैंने इसको सुनना है. देखो दोनों का उद्धार हो गया.
जीवन को एडजस्टमेंट करना माने अब कुछ चारा ही नहीं है तो स्वीकार कर लिया, ऐसा भाव ना हो। ये डॉक्टर पोल के बगल में जो बैठे उनको ना कुर्सी बदलो, ये सामने बैठ लेते हैं ना लंबे वाले, पीछे की सब लाइन गड़बड़ हो जाती है। हाँ अब ठीक है, आप साइड में बैठा करो, अभी तो ठीक है, क्योंकि मुझे केवल छत दिखता था। ये लंबे लोगों को ये समझना है, या तो साइड में बैठ लो या पीछे बैठो, सामने बैठ लेते तो इसने हिला तो उसके पीछे के सब ऐसे ऐसे हिल जाते। तो एक हमारा जीवन होता है सापेक्षता के क्षेत्र में, और दूसरा होता है संपूर्णता के क्षेत्र में। तो हम पति पत्नी बनकर के जी रहे हैं, सापेक्षता का क्षेत्र है, इसमें एडजस्टमेंट चाहिए, नो वे आउट। यदि वो गुस्सा करती है तो ये शांत रहे, यदि ये शांत रहता तो वो गुस्सा करे। आदमी को शांति रहना ठीक रहता है। लड़कियों का नाम केवल शांति होता है। यदि ऐसा करेंगे तो आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो। और दूसरा संपूर्णता के दृष्टि से, तो वो कैसा है कि हमको दुनिया में कई रोल प्ले करने पड़ते हैं, अपने रोल प्ले करो लेकिन उसमें फंसो मत। जैसा, ध्यान से सुनना, जैसा हम देह के साथ तादात्म्य करके जागृत पुरुष का रोल प्ले करते हैं, कब तक के, जब तक जागृत अवस्था है तब तक। जागृत अवस्था खत्म हो गई लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं, हम नहीं खत्म हो गए। फिर सपना अवस्था आई, फिर सपना पुरुष का रोल प्ले किया, वो खत्म हो गई तो फिर खत्म हो गया, फिर हम अपने पास आ गए। तो ये दो बातों को स्पष्ट समझ, ये जीवन कौन जी रहा है, सुखी दुखी कौन हो रहा है, कब समय में आएगा ये मंत्र, यहां सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैष महिमा भुवि। तो जो शुद्ध चिन्मय तत्व है उसी की ये महिमा है, वही बन रहा है जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष इत्यादि, लेकिन वो केवल बनावटी है। वास्तविक वो उत्तम पुरुष तु अन्या परमात्मा इति उदारतः, उत्तम पुरुष जो है वो सबका आधार है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ सर्वज्ञः यहाँ सर्वविद्, जागृत अवस्था में जागृत पुरुष सर्वज्ञ है, और शुद्ध चैतन्य सबका जो आधार है जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, वो सर्वविद्, उसको सब मालूम है। यही इसकी महिमा है, यही इसका सौंदर्य है, यही इसकी ग्रेटनेस है। और यह जो अपना स्वरूप है वो कहाँ है, दिव्ये ब्रह्मपुरे येष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता। अब देखो, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मेरे ही कारण जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि होती है। तो ये मैं कहाँ है और क्या फर्क पड़ता है कहाँ है। आकाश कहता है मेरे ही कारण पृथ्वी जल अग्नि और वायु है, तो आकाश कहाँ है, तो उत्तर क्या आएगा, आकाश कहाँ नहीं है। माने इन चार महाभूतों का होना न होना आकाश पर कोई प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से दिव्य ब्रह्मपुरे येष, दिव्य ब्रह्मपुर माने चिदाकाश, एक होता है भूताकाश जिसमें भूत रहते हैं, हम सब लोग भूत हैं,
पंच महाभूत, तो चार भूत जिसमें रहते हैं, ये है स्थूल आकाश, और जिसमें सभी वृत्तियां रहती है वो है चित्ताकाश, और जिसमें सभी व्यक्तित्व रहते हैं वो है चिदाकाश। ये अति सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। ये स्थूल आकाश बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि आकाश क्या है, सबका आधार है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, आकाश के सिवा किसी की सत्ता नहीं है, आकाश के लिए अंदर बाहर का चक्कर नहीं, कुछ इसमें ऐड किया तो बोझा नहीं, निकल गया तो कोई हानि नहीं, क्योंकि ये सबका आधार है। समझ में आ गया? फिर क्या समझ में आया? हमको यही साधना करनी है कि ये आकाश का अनुभव कैसा होगा, करो चिंतन तो पता चलेगा। यह आकाश किसी का भी विरोधी नहीं है, सबका समर्थन करता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। बस ये साधना शुरू हो गई। तो ये जो स्थूल जगत है, स्थूल जगत की जितने वस्तु व्यक्ति है सबके साथ हम है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये अभ्यास करते करते फिर जगत का यह जो विस्तार है ये हमको परेशान नहीं करेगा। फिर इससे उठ गए ऊपर, फिर आ गए चित्ताकाश में। अब चित्ताकाश क्या है? जैसे स्थूल आकाश में स्थूल जगत है, इसी प्रकार से चित्ताकाश में वृत्तियों का जगत है, विचारों का जगत है। तो जैसे स्थूल आकाश स्थूल पदार्थों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से चित्ताकाश किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो क्या होगी साधना? कोई भी विचार आए चले जाए, क्या फर्क पड़ता है? परेशान होना बंद करो। जब भी हम ध्यान के लिए बैठे हैं, बहुत बुरे विचार आते हैं, क्या करें? मत करो ध्यान, मन से प्रेम करो, झगड़ा मत करो। आए तो आए, गए तो गए। तो जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम विचारों के आने जाने के द्वारा प्रभावित नहीं होते, तो उस समय हमने चित्ताकाश को जीत लिया है। तो पहले भूताकाश को जीत लिया, फिर चित्ताकाश को जीत लिया। अब और आगे चलते हैं, आते हैं ये जो है व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता ब्रह्मपुरे व्योमनी, ये हो गया चिदाकाश। अब चिदाकाश की सुंदरता ये है, आकाश किसको कहते हैं? अवकाशात आकाश, जहां खालीपन है उसको आकाश कहते हैं। हम दोनों के बीच में क्या है? आकाश माने खालीपन है, कुछ नहीं हुआ। तो चिदाकाश क्या हो गया फिर? खालीपन है उसमें, तो आकाश उसमें खालीपन है माने कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी दुनिया कहाँ है फिर? उसी में है। देखो इसका अर्थ क्या हो गया। तो ये जो चिदाकाश है ये भरी व आकाश, सॉलिड स्पेस। सॉलिड इसलिए कि इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, और स्पेस इसलिए इसी में सब कुछ है। अब ये जो विरोधाभास है इसको ग्रहण करो आप, फिर देखो ऐसी स्पष्टता आती है समझ समझ में। इसको समझने के लिए उदाहरण ले देते हैं। सुवर्ण जो है, सोना, यह सभी आभूषणों के लिए
भरी हुआ आकाश सॉलिड स्पेस है, इसका अर्थ क्या हो गया? जितने आभूषण है, क्या वो आभूषण बाहर से आकर के सुवर्ण पर बैठते हैं? नहीं, कहां से आए? वो सुवर्ण में ही थे, तो सभी आभूषण सुवर्ण में थे, इसका मतलब है वहां जगह होनी चाहिए। बिना जगह के कैसा कुछ कोई रह सकता है? हाँ जी, देखो, लेकिन सुवर्ण में सुवर्ण की सेवा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या है? वो सॉलिड है। अब आ गया ना 22 का चक्कर, तो फिर क्या करे? इसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। यह संपूर्ण सृष्टि हम में ही अव्यक्त रूप से है, वही व्यक्त हो जाती है और वही फिर अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है। जितने भी आभूषण है, ये सभी के सभी सुवर्ण में अव्यक्त रूप से है, फिर वही व्यक्त हो जाते हैं, माने सुवर्ण को नाम दिया जाता है, रूप दिया जाता है, तो नाम रूप युक्त सुवर्ण को आभूषण कहते हैं। और जब आभूषणों को गलाया जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, नाम रूप गायब हो गया, तो नाम रूप के कारण सुवर्ण को आभूषण कहते हैं, और नाम रूप मिटने के कारण वो सुवर्ण है, तो नाम रूप की स्थिति क्या है? नाम रूप मिथ्या। दिव्ये ब्रह्मपुरे येष, भगवान शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में लिखते हैं, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतं मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्य अंकुर इव, जैसे बीज के अंदर में पूरा का पूरा पेड़ रहता है, कैसे रहता है? अव्यक्त, और वो बीज कैसा है? सॉलिड है, उसके अंदर में कोई जगह नहीं है, तो जितना पेड़ है वो अव्यक्त रूप से बीज के अंदर है। और जो उसको योग्य समय या योग्य परिस्थिति मिल जाती है, तो वही जो अव्यक्त पेड़ था वो धीरे धीरे निकलने लग जाता है, माने पेड़ बाहर से नहीं आया बीज के ऊपर भी, उसके अंदर ही था। इसी प्रकार से जो संपूर्ण सृष्टि अपने में ही है, हमसे ही प्रकट होती है, हम में ही रहती है और हम में ही वापस चली आती है। अब ये ग्रहण न होने का कारण यह है कि हम जब कहते हैं हमसे ही प्रकट होती है, हम में ही रहती है और हम में ही वापस आती है, तो हमने हम का अर्थ क्या किया? यार मैं इतना छोटा सा हूँ, ये सृष्टि मेरे अंदर कैसे जाएगी? अरे बेवकूफ़, ये मैं का अर्थ देह नहीं है। पहले इस मैं के अर्थ को समझ लेना है। इसीलिए पहली बात भूताकाश की, भूताकाश की साधना करते करते व्यक्ति जगत के विषयों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाएगा। इसीलिए किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। देखो आकाश में कुछ नए ग्रह निर्माण हो जाते हैं तो आकाश को हैप्पी बर्थडे नहीं, और कोई ग्रह टूट जाते हैं तो मॉर्निंग नहीं, क्योंकि आकाश को कुछ होता ही नहीं। क्या ये अपनी स्थिति नहीं है? कितने सत्संग आके चले गए, कुछ हुआ? क्योंकि वो अपना स्वरूप है, कुछ नहीं होता, हम बदलना नहीं, हम बदल नहीं सकते। जो बदल जाता है वो प्रकृति है, परमात्मा नहीं बदलता। देखो तो पहले भूताकाश को ग्रहण करें,
उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया है। जगत के जो विषय है उसमें ज्यादा ना फंसे, आराम से रहो, बढ़िया रहो, लेकिन फंसो मत। और हम फंसते हैं अपने मन के कारण। मन हमको कल्पना देता है। देखो, एक जर्मन अम्मा हमको ले जा रही थी यूके में। हम समुद्र के किनारे कार से जा रहे थे, एकदम डाउन साउथ में। तो एक जगह बड़ा सुंदर स्थान है, एक मकान था केवल, और नीचे ऐसा उतरने के लिए ये समुद्र, और वहाँ पुराने स्टाइल का कॉफ़ी हाउस था और कुछ दुकानें थी, दो चार लोग थे। उसको हमने देखा, ऐसा लगता कि किसी ने पिक्चर बनाया। हमने कहा अम्मा रुक जाओ, रुक गए, चलो घूम के आते हैं। और मैंने वहाँ खड़ा हो करके समुद्र को देखा, उस मकान को देखा, नीचे देखा, सब देखा। हमने कहा आहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, आई विश आई कुड स्टे इन दिस हाउस। ऐसा मैंने कहा। तो उसने कहा स्वामी जी, आप अपने बारे में बताते नहीं, किसी के बारे में पूछते नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ अपने बारे में, बताओ, मैं तुम्हारे केयर हूँ, मुझे सुनना ही पड़ेगा। उसने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, घूमने के लिए यहाँ आई, इसको देखने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स कर दिया कि आई विल नॉट कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गुड टाइम, बाय, हो गया, तलाक तलाक तलाक। फिर मुझे इस घर में रहने का था, तो मैंने इधर उधर देख करके वहाँ गई, बात करी कैसे है क्या है, और वो आदमी अकेले थे, तो मैंने कहा कि आई विश टू स्टे हियर। तो ही सेड हाउ कैन यू स्टे हियर, यू आर नॉट माई वाइफ, आई कैन बिकम योर वाइफ। तो मैंने उसके साथ शादी करी। वहाँ रहने के लिए, इसको कहते हैं समर्पण। और वहाँ मैं रही 2 साल के करीब में, और फिर ऊब गई यार। रोज वही मकान, वही समुंदर, वही लहरें, और वही दुकान, और क्या है इसमें भी? फिर मैं वहाँ से निकल गई। इसको कहते हैं लाइफ। आप लोग खूंटी बांध के बैठे रहते हो जिंदगी भर, घूमो। कितना बढ़िया जीवन होता है। तो जैसे स्थूल आकाश कंटेंट्स के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे हम इस स्थूल जगत में कहीं फंसे ना, क्योंकि हमारा मन हमको नचाता है, यहाँ नहीं वहाँ अच्छा होगा, नहीं नहीं बोर है वहाँ अच्छा होगा, हम भटकते रहते हैं जगत में। तो जहां है वहां मौज में रहो, पर ये जानो कि हमारा मन उतना ही अट्रैक्टेड नहीं हो सकता उसी वस्तु के प्रति। फिर जगत में हल्के पुलके रहने लगेंगे, फिर वहां से ऊपर आए चित्ताकाश में। अब चित्ताकाश में जो वृत्तियां है उसको लेकर के परेशान होने के जगह में अब उस वृत्तियों का अनुसंधान करें। वृत्तियों का मूल क्या है? वृत्तियों का मूल है कोई एक व्यक्तित्व, और ये व्यक्तित्व कहाँ से पैदा हुआ? स्थूल देह के साथ तादात्म्य करने से। देखो, जैसे जैसे ये बात समझ में आती है तब हम इन विचारों को लेकर के सीरियस नहीं हो गए। तो जहाँ आपने किसी भी विचार को महत्व देना कम कर दिया, धीरे धीरे वो विचार अपने आप मर जाते। बचपन में जो कुछ था अच्छा बुरा, जिसको लेकर के हम इतना परेशान होते थे, अब देखो उसी वस्तु को, वही वस्तु है, हम वही है, वही घटना, सब कुछ है, लेकिन अब परेशान नहीं होते।
क्योंकि हमने उसका त्याग कर दिया है। इसीलिए अपने स्थूल जगत आकाश से निकले, चित्ताकाश में आए, माने अब मन में आने वाले वृत्तियों को लेकर के परेशान होना बंद होता है, छोड़ो यार, टेक इट लाइटली। ये दो बातें जब तक नहीं करेंगे तब तक के हमको चिदाकाश में प्रवेश नहीं। चिदाकाश में द्वैत का अभाव है, द्वैत के प्रतीति को सत्य स्वीकार नहीं किया। देखो आधार भी सुवर्ण है और आधेय आभूषण भी सुवर्ण है, भोगने वाला भी परमात्मा है, भोगा गया भी परमात्मा है। तो तीन बातें स्पष्ट हो गई होगी आपको, स्थूलाकाश जगत, चित्ताकाश जगत का अनुभव, चिदाकाश अनुभव करने वाला अनुभवी। तो तीन बातें होगी, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंसर ऑफ द वर्ल्ड, तीनों के तीनों एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। ये यहां कहते हैं, यहां सर्वज्ञ सर्वविद यशेष महिमा भुवि, यह संपूर्ण जाग्र स्वप्न सुषुप्ति एक ही तत्व की महिमा है। कभी कहीं वो भोक्ता बन जाता है, कभी भोग्य बन जाता है, कभी भोग बन जाता है, लेकिन यह भोक्ता भोग्य भोग इन तीनों का जो एक आधार है वो ज्यों का त्यों है। इसीलिए कभी जागृत अवस्था में जागृत पुरुष बन गया फिर उसको छोड़ दिया, फिर स्वप्नावस्था में स्वप्न पुरुष बन गया उसको छोड़ दिया, सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्त पुरुष बन गया उसको छोड़ दिया, लेकिन है ज्यों का त्यों। ये है सॉलिड स्पेस, माने इसमें सब कुछ है लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं। सुवर्ण में सभी आभूषण है लेकिन आभूषणों में सुवर्ण की सिवा कुछ नहीं। देखो संतो, ये शेष महिमा भुवि योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता, और यह जो एकमात्र तत्व है यही मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठिता अन्य हृदय सन्निधाय, और यही परमात्मा जो है मन के उपाधि को धारण करके जीव बन करके यहाँ से वहाँ मानो जाता है, शरीर को ले जाता है, और सबका सब अन्य हृदय सन्निधाय प्रतिष्ठिता, और वही यह एक स्थूल देह से दूसरे देह में यही परमात्मा जीव के रूप में यहाँ से वहाँ मानो जाता आता है, और तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः, तो धीर पुरुष जो है इसको जानते हैं। मैं ही, अब देखो हम लोग कहते हैं ना पिछले जन्म में अमुक अमुक था, इस जन्म में ये है, अगले जन्म में वो है, तो मरा कौन? तो देह को लो तो वो नहीं मरता, जीव को लो तो वो नहीं मरता, आत्मा भी नहीं मरता, तो मरता कौन है? ये सब हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन वास्तविक में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए तद विज्ञानेन, जिसने अपने इस स्वरूप को पहचाना है, तो क्या पहचानना है? पहली बात, स्थूल जगत में रह करके व्यक्ति बनना, इससे ऊपर उठने के लिए आकाश योग, फिर सुखी दुखी व्यक्तित्व जो जीव है उससे ऊपर उठने के लिए चित्ताकाश योग, फिर इससे भी ऊपर उठने के लिए चिदाकाश योग। ये चला चली का खेला, ना किसी को आना है ना किसी को जाना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ये तीन स्थितियां है।
तद विज्ञानेन, जिसने इस तत्व को पहचाना है आत्मरूप से, परिपश्यन्ति धीराः, फिर आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, फिर वो हमेशा मौज में रहते हैं। इस अपने स्वरूप को हमको पहचानना है, निर्माण नहीं करना। पहचानते किसको है? जिसको देखते हैं लेकिन उनके बारे में मालूमात नहीं है। और जहां मालूम हो गया, अरे ये तो अपना दोस्त ही है, और ऐसा जो व्यक्ति अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के जीता है, फिर उसका, हमने कल देखा था, हमने इस विषय को दिन से दोहराया है, बहुत महत्व का विषय है। तो यह अपने स्वरूप को जिसने पहचाना है, फिर उसके लिए भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो परावरे दृष्टे सति, तो कौन है पर अवर? ये कार्य कारण के परे जो है, देखो सुवर्ण कारण है और आभूषण कार्य है। सुवर्ण कारण तब बनता है जब आभूषण हो, आभूषण नहीं है तो सुवर्ण केवल सुवर्ण ही है, कहाँ उसमें आभूषण आ गए। तो आभूषणों के कारण सुवर्ण को कारणात्मा कारण रूप प्राप्त हो जाता है, माने कार्य कारण एक दूसरे पर अवलंबित है और उसमें कारण सत्य है, कार्य इफेक्ट केवल अपियर होता है। इस प्रकार से समझने से हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, फिर हमारे अंतकरण से ये जो चक्कर है ना, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, सब ठीक है यार, टाइम पास करो, आपको पता है टाइम पास करने का तात्पर्य क्या है? हम जगत में रहेंगे लेकिन कहीं भी टिका टिप्पणी नहीं, कोई कैसा हो क्या फर्क पड़ता है। एक बार आदमी को आदत लग जाती है ना हर चीज को लेकर के टीका टिप्पणी करने की। हम बताएं आपको हमारी क्या आदत है, जहां भी हम किसी के घर में भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, तो समझो बाथरूम में गए तो वहां दिमाग में आता है, यदि इसलिए ने ये समूह यहाँ लगा देता, वहां यदि ऐना होता, वहां कितना अच्छा होता, कोई जरूर है? लेकिन हो जाता है, देखो आदत है पुरानी, समझो घुस रही है घर में, यदि यहाँ ये ऐसा कर देते तो ठीक रहता है, किसी ने पूछा क्या नहीं, चुप बैठो। देखो महाराज, विद्यते हृदय ग्रंथि, जो पुरानी आदतें हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, अविद्या काम कर्म। फिर छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी के सभी संशय खत्म हो गए। संशय किसके बारे में? जगत के बारे में, अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, साधना के बारे में इत्यादि। संशय युक्त जीवन को कहते हैं कि हम किसी धारणा में फंसे हुए, धारणा माने नोशन, वी आर लीडिंग अ नोशनल लाइफ, हमने अपने आप को अच्छा समझ रखा है, लोगों के जैसे नहीं है हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं फिर बाद में सोते हैं, बात अलग है। तो यह जो अपने बारे में धारणा है, हम लोगों के जैसे नहीं, हम तो ऐसे हैं, हम होटल में जाके नहीं खाते, होटल का घर में लाके खाते, ये अपने बारे में जो भिन्न 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 धारणाएं हैं, क्या ये हम वास्तविक हैं? इससे क्या होगा, हम अपने आप को अन्य के साथ कंपेयर करके अपने को अन्य से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करते। किसी ने पूछा क्या? नहीं, फिर काहे को कहना है, हम लोगों के जैसे नहीं है, जा करके
नाम लेते हैं भगवान का, पैसा इकट्ठा करते हैं। और करने दो ना, आप भी करो, आपको किसी ने रोका है? देखो, इसीलिए छिद्यन्ते सर्व संशयाः। अब हमको कोई संशय नहीं, किसके बारे में, हम कौन है, हमारा यहाँ क्या पोजीशन है, हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमको यहाँ कब तक रहना है, कोई संशय नहीं। जैसे हम लोग यहाँ आए, अब हम कब आए हैं मालूम है, 9 तारीख को आए। किस लिए आए? सत्संग के लिए आए, सोने के लिए नहीं, सत्संग के लिए आए। और यहाँ ऐसी ऐसी क्लास होगी, और कब तक चलेगी? 10-15 तारीख को ब्रेकफास्ट के बाद निकल जाना है, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ गए तो पता नहीं कब तक होगा, क्या होगा, तो संशय में रहेंगे। जीवन में स्पष्टता होवे, ये सब होने के बाद क्या होगा? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। अब अंतकरण में मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करें, हमेशा कौ 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 नहीं, शांत रहो। बहुत बड़ी साधना है, किसी के फॉलोअर बन जाओ, लीडर कभी मत बनना। अब यहाँ का जो सब कुछ हो रहा है, गणेश भगवान को बैठा दिया, क्या करना है वहां जाना, ठीक, चल बोलो। जैसे हम लोग आए थे, मुझे सोचा हम ब्रेकफास्ट करेंगे, स्वामी जी कल उन्होंने कहा था ना वहां जाना है, हाँ, चलो, यहाँ का कैंसिल, वहां गए, क्या फर्क पड़ा, बात एक ही है। नहीं तो, लेकिन मैंने उनको ये कहा था, तुमने ऐसा क्यों कहा? कहो, अरे राज छोड़ो ना यार, अपने मन की शांति महत्व की है। इसीलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। जिनको कर्म करने होते हैं, जिनको योगा करना होता है, जिनको तपस्या करनी होती है, ये सभी के सभी जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। देखो, तपस्या करना जिद्द से ही हो सकता है। एक महात्मा को हमने देखा, उन्होंने नियम कर लिया, मैं पैरों पर खड़ा ही रहूंगा, बैठूंगा नहीं। अब उनके जो चेले थे, वो कहीं भी जाएंगे तो पेड़ ढूंढेंगे उनको ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं, फिर वहां एक झूला बनाएंगे, तो झूले की जो हाइट होती है वो उनके छाती तक होगी, और फिर वो दिन भर खड़े रहेंगे, वो रस्सी से अपना यहाँ का हाथ डाल करके ऐसे लटकते रहेंगे, क्यों, बैठना नहीं। ये क्या तमाशा है, बैठ लो ना, सीधी बात है। और इससे सुपर तमाशा आपको बताता हूँ, एक जगह है, कहाँ है, अभी हम गए थे, शिव जी का मंदिर है वहाँ, तो वहाँ एक बाबा जी है, उन्होंने नियम किया, मैं पृथ्वी पर पैर नहीं रखूंगा, तो हमेशा ऐसे चौके पर बैठे रहते हैं, और दो तरह से दो डंडे हैं, और जहाँ भी जाना होता है तो उनके चेले उनको उठाते हैं, और ये जा रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। तो मैंने पूछा, टॉयलेट कहाँ करते हो? हाथ में नीचे नहीं मिलेगा, ये कोई साधना है? और ऐसे लोग जो बड़े जिद्दी होते हैं, वैसे ही करेंगे। हमको जिद्दी नहीं होना है, बेवकूफी से ऊपर उठना है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। देखो, नहीं तो दूसरे एक दो महात्मा की बात बताऊं आपको, मैं किसी पर टीका टिप्पणी के लिए नहीं, हमको समझने के लिए, मैं केवल गंगा जल ही पीता हूं। अब जहां भी ये जाते हैं उनके साथ गंगा जल का टैंकर चलता है, तो जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उनको कितनी परेशानी है, लेकिन वो लोग भी इन्हीं के चेले हैं। महाराज जी, गंगा जल ही है, क्या फर्क पड़ता है? उसको पता चलता है क्या गंगा जल पर कोई लिखा होता है गंगा जल? ये जो जिद्दीपना है ना, यही हमको अध्यात्म में रोकता है। ही अंते चास्य कर्माणि, जो है ठीक है, चल रहा है, कब, तस्मिन दृष्टे परावरे, जब आपका ध्यान
अपने स्वरूप के तरफ आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने में आपने अच्छा बुरा कर्म किया, जगने के बाद कुछ फर्क पड़ा? इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न से जगने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, ना पाप है ना पुण्य है, ना धर्म है ना अधर्म है। इसलिए क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब नौवे श्लोक में कहते हैं, हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलं यत् शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यत् आत्मविदो विदुः। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलं, जो ब्रह्म है यह कैसा है? निष्कलम, इसकी कोई कला नहीं है, माने इसके कोई भाग नहीं है, इसकी कोई उपाधि नहीं है। उपाधि के कारण एक ही अनेक प्रतीत होता है। जैसे चंद्रमा की कला कहते हैं, मनुष्य की क्या कलाएं हैं? वो पुत्र है, वो पति है, वो पिता है, वो भाई है, वो ऑफिसर है, वो ड्राइवर है, तो ये उसकी भिन्न भिन्न कलाएं हैं। तो यह निष्कलम, इनकी कोई कला नहीं, एकमेव अद्वितीय। उपाधि यदि ना हो तो हम एक हैं। देखो कैसे, उपाधि शरीर है, हम अलग अलग हैं। उपाधि इंद्रिय है, हम अलग अलग हैं। उपाधि मन है, हम अलग अलग हैं। उपाधि मय है, इसीलिए हम अलग अलग है। लेकिन जीवन के दृष्टि से देखो तो हम सभी के सभी जिंदा है, तो एक है। माने जितना हम उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे उतने हम निष्कल में पहुंच जाएंगे। सुषुप्ति में हम निष्कल होते हैं, लेकिन सवाल यह है इस निष्कलता को हम आत्म रूप से पहचानते नहीं। इसीलिए हिरण्मय परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम। और ये निष्कल का अभ्यास करने के लिए एक ही बात है, अपने बारे में ना बोले हम कहाँ से हैं, कहाँ से आए, क्या किए, कैसे किए, क्या तीर मारे, कुछ जरूरत नहीं बोलने की, निष्कल। क्योंकि हम जो बोलते हैं अपने उपाधि के संदर्भ से ही बोलते हैं, मैं यहाँ पैदा हुआ था, ये मेरे माँ बाप थे और मैंने ये किया, तो ये सब उपाधियाँ है, अपने में कुछ नहीं है। ब्रह्म निष्कलम और हिरण्मय परे कोशे, और यह जो तत्व है, यह कहाँ है? जो हिरण्मय ज्योति स्वरूप जो कोश है उस परे है, उसके परे है, माने ये सब का आधार है, विद्यमान है। और ये कैसा है? यत् शुभ्रम ज्योतिषाम तत् ज्योति, इस सभी प्रकाशों का प्रकाश है। कल भी बताया था आपको, रूप रंग को प्रकाशित करने के लिए आंखें, आंखों को प्रकाशित करने के लिए मन, और सूर्य को प्रकाशित करने के लिए मन, तो मन का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है। धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं, जब मैं हूं तभी ये जगत है, यदि मैं नहीं तो जगत नहीं। इसीलिए ये जो शुद्ध तत्व है मैं, यही तत्शुभ्रम ज्योतिषाम तत् ज्योति ही, मैं को होने के लिए किसी अन्य के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यह शुभ्रम ज्योतिषाम तत् ज्योति ही तद्यत् आत्मविदो विदुः, तो जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है वो इसको इस प्रकार से जानते हैं कि इस तत्व को पहचानने के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। अब पकड़ के बैठो इसको, वह अनुभव जिसके लिए ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण,
मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता। तो हम देह को त्याग देंगे, इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को कुछ करना नहीं है, प्राण को कोई प्रयत्न नहीं है, मन को कोई फीलिंग नहीं है, बुद्धि को कोई कंसेप्ट नहीं है। और फिर भी हम है, तो यह निर्विशेष सत्ता सभी विशेषताओं को सत्ता प्रदान करते हुए भी निर्विशेष ही रहती है। रूप रंग की विशेषताओं को प्रकाशित करने वाली सत्ता हमारी दृष्टि निर्विशेष ही है, ना उसमें कोई रंग रूप है ना कोई आकार है। तो साधना क्या हो गई? जितनी निर्विशेषता होगी, जितनी प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति के तरफ हमारा ध्यान होगा, उतनी मात्रा में हम ये औपाधिक ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। देखो संतो, कठिन नहीं है ये। हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो हमको छोड़नी है। यह शुभ्रम ज्योतिषाम तज्ज्योति ही यत्यत् आत्मविदो विदुः। जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है वो इसको जानते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसको जानने के बाद अन्य को लेकर के हम कभी सीरियस होगी क्या? जब मालूम है कि ये जगत प्रतीति है, तो कोई भी व्यक्ति प्रतीति का उद्धार करने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, समझदार हो तो। जैसे ये मृग तृष्णा, मृग जल, मिराज वाटर्स, ये प्रतीति है मालूम है, तो कभी उसका उद्धार करने के लिए प्रयत्न करेंगे कि हार्वेस्टिंग द मिराज वाटर्स? हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता है वो दिखते हैं वो होता नहीं। किसी को अपने जन्म में ले आओ, अपने जो रिश्ते नाते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप इत्यादि, उनको सुधारने का प्रयत्न, ये वैसा ही है जैसे मृग जल को इकट्ठा करके स्टोर करने का। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। जब ये बात समझ में आती है ना, तो आदमी को हल्का पुल्का रहने के लिए खूब प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सहज हो जाता है। इसी को कहते हैं सहजावस्था। देखो, क्योंकि हमने उसको स्वीकार किया है कि ये दिखता है होता नहीं। शुभ्रम ज्योतिषाम तज्ज्योति यत्यत् आत्मविदो विदुः। यह जो स्वरूप है अपना, उसका इस 10वें मंत्र में कल देखा था हमने, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यम अग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। आपने भगवान की आरती के भिन्न भिन्न स्थानों पर देखा होगा, पहले तो वो जो आरती का एक पर्वत होता है, नीचे में 10 ज्योति होगी, फिर उसके ऊपर में 8, फिर 6, इस प्रकार से ऊपर में 1, तो ये 25 तत्व या 36 तत्व, इसको ले करके परमात्मा की आरती होती है, फिर भी परमात्मा ने दिखता। फिर ऐसा करते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों से परमात्मा को देखने का प्रयत्न करेंगे, फिर पंचारती होती है, फिर भी परमात्मा नहीं दिखता। अब क्या करें? फिर कर्पूर आरती होती, एक कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम, और कर्पूर आरती करते करते आरती गायब हो जाती है।
इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करते करते, परमात्मा का अनुसंधान करते करते, जब अनुसंधान करने वाला गायब हो जाता है तब प्रभु प्रकट होते हैं। देखो कैसे, कौन देखने का प्रयत्न कर रहा था? ये 36 या 25 तत्व नहीं पाए, फिर पंच ज्ञानेंद्रिय वो भी फेल हो गए, फिर आखिरी अच्छा मैं ट्राई करता हूं, ये मैं कर्पूर यही गायब हो गया। हमारे अभाव में जो होता है वो परमात्मा है। और फिर उस कर्पूर आरती की आरती हम लेते हैं, माने हम भी वैसे हो, माने अपने मैं को मिटा देना, ये वास्तविक पूजा है। लेकिन हमको उसका अभिमान हो जाता है, भगवान की लीला है महाराज। इसीलिए न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, अनेक प्रकार की ज्योतियां ले लो, ये 26 या 36 या 25 तत्व है उनसे भगवान की आरती करो, भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि, फिर अग्नि ही माने अनेक प्रकार की क्रिया करो, मंत्र का उच्चारण करो तभी समझ में नहीं आएगा, फिर तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तब समझ में आता है ये सब केवल परमात्मा के प्रकाश में ही हो रहा है। और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, परमात्मा का ही प्रकाश सब रूप में प्रकट हो रहा है। जो प्रकाश और अंधकार इन दोनों का आधार होते हुए भी दोनों के परे और दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इसीलिए जो हमको दिखता है वो प्रकाश नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। शुद्ध प्रकाश दिखता नहीं, सूर्य प्रकाश दिखता नहीं किसी को, जो दिखता है रिफ्लेक्टेड लाइट दिखता है। इसी प्रकार से हमको जो भी दर्शन हो रहा है दुनिया का, इट इज रिफ्लेक्टेड परमात्मा। और रिफ्लेक्शन होने के लिए कोई उपाधि चाहिए। देखो जैसे स्टैंड और ये माइक, इसके बीच में प्रकाश है, दिखता क्या? अब इसके बीच में हमने एक वस्तु ले आए, ये वस्तु दिख रही है ना, वस्तु तो स्वयं प्रकाशित नहीं है, तो इस वस्तु पर प्रकाश पड़ के रिफ्लेक्ट हो गया है और आपको जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, प्रकाश नहीं दिख रहा है। ये जो दुनिया है ये रिफ्लेक्टेड परमात्मा है। और यदि आपको परमात्मा का दर्शन करना हो तो जहां जहां परमात्मा रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हटाओ, तब आपको ओरिजिनल परमात्मा का दर्शन होगा और वो होगा आत्म रूप से। और आत्म रूप से दर्शन होगा माने क्या? जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, नोन, नोवर और नॉलेज, ये त्रिपुटी शांत हो जाती है। इसीलिए हम आपको सिंपल शब्दों में बताते हैं, वह ज्ञान जहां ज्ञाता निर्माण नहीं होता वो तत्व है।
वह अनुभव जहाँ अनुभवकर्ता प्रकट नहीं होता वो परमात्मा है, और इसीलिए कोई कह नहीं सकता कि मुझे अनुभव हो गया। तो ये आपके मन की कल्पना है, ये ऐसा अनुभव है कि जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता। इसका हमने आपके उदाहरण दिया था, एक बार हम आ रहे थे लंदन से बम्बई, तो आप देखते हैं ना आजकल ये जो आईटी के बच्चे होते हैं, तो माँ बाप ने कभी जिंदगी में चिंच पोकली के बाहर गए नहीं, वही 6x8 के घर में रहने वाले। अब पैसा बहुत आ गया, अब चलो इनको तीर्थ यात्रा नहीं कराएंगे, यूरोप भेजेंगे। इनको ये समझ में नहीं आता ये सॉक्स बाय पैर का है कि देने पैर का है। अरे सॉक्स को देना बाया नहीं होता। अच्छा, हमको लगा जूते के जैसा, सॉक्स को भी देना बाया होता है। ऐसे ब्रांड के लोग, अब इनको भेजा। तो ऐसे ही एक फैमिली आ रही थी और हमको पूछा, एक आदमी आकर के फ्लाइट के अंदर में अंग्रेजी बोलना है, आर यू क्या है, आर यू स्वामी। तो मैंने बोला कि गया है, चुप हो गया। फिर उसने पीछे देखा मुड़ के, तो उसकी वाइफ बदली बैठी हुई थी। माने आपको कुछ नहीं आता, आ जाएगा, ये उसका भाव। अब ये गया, बैठ गया, बैठ गया, ये उठी टुक 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 करके आ गए, और फिर कहती है, डू यू नो अनुभवानंद, यू लुक लाइक हिम। तो मैंने कहा यस नो, यस नो, यस नो, यस नो क्यों? हमने कहा मैं जानता हूं इसलिए यस, नो इसलिए कि जैसे आप उसको अपने से अन्य के रूप में जानती हो, वैसा मैं अपने आप को अपने से अन्य के रूप में नहीं जानता, इसीलिए यस नो। देखो, माने जो अस्ति नास्ति है नहीं है, ज्ञान अज्ञान, सभी द्वंद्वों का जो आधार है, इसीलिए जो द्वंद्व रहित अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। ये कहने का तात्पर्य, तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, हमारे होने के कारण ही जागृत स्वप्न भावात्मक है, हमारे होने के कारण ही इन दोनों का अभाव माने सुषुप्ति समाधि, जागृत का अभाव सुषुप्ति और स्वप्न का अभाव समाधि, इन चारों के आधार, चारों के प्रकाशक हम अस्ति भाति है नहीं है इसके परे है, यह अपना स्वरूप है महाराज, इसको हमको ग्रहण करना है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो जिसके प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, कि जिसको कोई नहीं देख सकता, जैसे आंखों के प्रकाश में सब रूप रंग दिखते हैं लेकिन वो आंखों को नहीं देख सकते, मन के प्रकाश में सभी इंद्रिय काम कर रहे हैं इन कोई भी इंद्रिय मन को ग्रहण नहीं कर सकता, मन के राग द्वेष को प्रकाशित करने वाला मैं, ये राग द्वेष का मन पर, मैं पर प्रभाव नहीं, कि दोनों का आधार मैं ही हूं, और ये मैं जिसकी अभिव्यक्ति है वो चेतना में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं और मैं भी नहीं, सुषुप्ति में केवल चेतना रहती है, वहां मैं नहीं रहता। जागृत में अहंकार 100%, स्वप्न में अहंकार 50%, सुषुप्ति में मैं होता ही नहीं, तो क्या होता है? केवल चेतना मात्र, और ये चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वो परमात्मा,
उसको हमको आत्म रूप से पहचानना है। देखो महाराज, ब्रह्म एव इदम् अमृतम पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चात् दक्षिणतः च उत्तरेण अध ऊर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्म एवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।